शेर को कभी घास पसंद नहीं आया, कभी घास नहीं खाया, शेर कभी भी खाया तो मांस ही खाया। रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, अरे मरना तो सबको है भैया। सरसों का तेल यूज करते हैं, घी डाल करके उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर 2-2.5 घंटा पकाते हैं लोग। ये तेल ऐसा कलर हो जाता है, इसका सारा कचड़ा निकाल देते हैं लोग। आपको देखिए सब में एक एक चम्मच डाल देंगे, ज़्यादा तेल का भी मात्रा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए बरोबर। सरसों साबुत है सर, आपको दिख रहा है, ये हम लोग साबुत लहसुन यूज करते हैं, इसको हम लोग साबुत यूज करते हैं सर, ये साबुत हांडी में जी। इसको प्रॉपर तरीका से एक बार मिला लेंगे चारों तरफ से। और ये देखिए बारीक प्याज, कोई मशीन का नहीं है, हाथ का कटा हुआ होता है, जी एकदम बारीक। हम अभी आपको 1 kg का हांडी तैयार कर रहे हैं। अच्छा। इसके लिए हम लोग सिंगल ही तैयार करते हैं। अच्छा। क्या क्या डालेगा? ये देखिए ये गोल मिर्च पाउडर है, गोल मिर्च पाउडर जी। अच्छा। लाल मिर्च बस नाम का यूज होता है, ये जीरा पाउडर है सर। ठीक है जी। वाइट नमक, ये मटन मसाला, मटन मसाला जी, किचन किंग थोड़ा सा, किचन किंग जी। ये हल्दी पाउडर है, और ये कलर के लिए सबको पता है ये लाल मिर्च नहीं है, ये कश्मीरी मिर्च है, ये कलर के लिए होता है, ये तीखापन के लिए नहीं होता है। लाल मिर्च ये है, इसको बस हम लोग नाम का यूज करते हैं, और ये हम लोग का स्पेशल मसाला है, स्पेशल मसाला सीक्रेट है। हाँ ये सीक्रेट है, इसमें हम लोग 26-27 आइटम एक साथ मिला करके बनाते हैं सर। अगर आपने बता दिया फिर कोई बात नहीं, बता भी देंगे कोई बात नहीं, और इसको प्रॉपर तरीका से मिलाएंगे। वही तेल जो हांडी में हम लोग यूज करते हैं, ये देखिए भर का भी करछी नहीं आएगा, बस इतना ही इसमें यूज करेंगे, इसको प्रॉपर तरीका से मिला लेंगे लोग। ये एक हांडी का मसाला तैयार हो रहा है जो आप देख रहे हैं, ये एक हांडी का मसाला तैयार हो गया। आधे से कुछ ज़्यादा प्याज पहले हांडी में रख लेंगे, और इसको 1 kg मटन, जी मटन भेज देंगे, इसको प्रॉपर तरीके से आटे से पैक कर देंगे लोग। अगर इसको डायरेक्ट आग पे रख देंगे, इसी तरीका से सारा हांडी जो है मेरा, ये इसमें आपने देखा पूरी हांडी बनाते हुए इसमें एक बूंद पानी की मात्रा नहीं जाता है। हांडी एक बार जो पैक हो गया तो ये खुलना नहीं चाहिए, खुलने मतलब देखिए बना हुआ हांडी है ये, जी एकदम पैक है हांडी, इसी तरह जब ये पक जाएगा उसके बाद ही ये उतरेगा नीचे, और उतरने के बाद ये खुलेगा। ऐसे बीच में इसको हम लोग हिला डुला करके पकाते हैं लेकिन खोलते नहीं हैं, यही आपका मेरा बिहार का और मेरा चंपारण का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा। और सबसे बड़ा जो भी लुक है यही है। ये हांडी अभी आग पे चढ़ गया, अभी से टाइम देख लेंगे हम, 2-2.25 घंटा मटन की हांडी में पकाने में समय देंगे। अच्छा, भैया के पास मिलता है सबसे A1 एकदम बढ़िया मटन। अच्छा देखिए आपको हिलाते हुए दिखाएंगे, इसको हम लोग हिलाते हुए दिखाएंगे, एक बार कैमरा में हिला दो, एक बार हिला दो, इसको हम लोग हिला करके पकाते हैं। अच्छा जी, एक बार भी हांडी खुलते हुए नहीं दिखेगा, बिना खुले ही इसको हिला के पकाएंगे हम लोग मटन बनाते हैं। और गरम गरम पकड़ने में रिस्क नहीं लगता? रिस्क तो है सर, रिस्क तो बहुत होता है, लेकिन पापी पेट का सवाल होता है क्या करिएगा। अगर हिलाते हुए ये फट गया तो ये मतलब इतना तेज उबलता है पेट ले जाएगा, तो ये रिस्क लेते हैं, इसलिए नाम रिस्की रखा हुआ है। यही ये देखिए 2 घंटा पहुंचने वाला है, और मतलब इसको हम लोग उतार करके पहले ठंडा किए हैं और फिर चढ़ाए हैं, आपको दिखा रहे हैं, मटन रेडी हो गया मेरे हिसाब से। आपको खोल के इसका रंग रूप, यस ये देखिए इसका, देखने से अगर मुंह में पानी ना आए तो फिर वो अहुना मटन नहीं है। आप देखिए इसका रंग, देखिए रूप, देखिए शकल, देखिए इसका, जब देखने में ऐसा है तो खाने में कैसा आप खुद समझ जाएंगे। एक नंबर इसका देखिए, ये यही है ओरिजिनल चंपारण मटन, यही ओरिजिनल। इसकी पहचान दूर दूर तक इसी बात की आती है। ये देखिए ये चीज आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, खाने की तो दूर बात है।
हांडी मटन गल जाना चाहिए बिल्कुल, ये सीना का पीस है देखिए, गल जाना चाहिए बिल्कुल मटन। मजा आ गया, आग लगा दी आज तो, मतलब एक नंबर सीन कर दिया ये। इसको रोटी के साथ खाइए, सबसे अच्छा तो हम लोग के यहाँ देसी लिट्टी होता है, हम मेरा बिहार का, अगर देसी लिट्टी के साथ खाते हैं फिर इसका जवाब ही नहीं। बर्दवान प्लाजा है, गुजरावाला टाउन, नियर जी डी गोनिका स्कूल है, बगल विनायक हॉस्पिटल है, ये बगल पार्क है सर, यहाँ मतलब बर्दवान प्लाजा ही मार्केट का नाम है, 12 नंबर दुकान है, एके चंपारण मीट हाउस।